अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, उससे पहले अपने इस रिएक्शन पर जाने से पहले मुझे आप लोग ये बताएं यार, मुझे पता नहीं क्यों क्या मसला हो गया, मैं ऐसे आगे की आता जाता हूं, ये बड़ा इशू है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि यार द बॉयज़ वाले मीम जो हैं, आप उसको कितना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको मैं इसके ऊपर रिएक्शन डालेगा आपके लिए। तो उससे पहले आप समझिए तो क्या होंगे आज मेरी वीडियो कौन सी होने वाली है। और वीडियो पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अभी करो, यहाँ पे बड़ी 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 मज़े मज़े की वीडियोस आती हैं। तो आज की जो सी वीडियो है इसमें होने वाले हैं अक्षय कुमार सिग्मा रूल और अक्षय कुमार थग लाइफ, अक्षय कुमार थग मोमेंट्स इसमें होने वाले हैं। और इसकी तस्वीर में शाहरुख खान नज़र आ रहे हैं, अक्षय कुमार नज़र आ रहे हैं, तो लेट्स सी। इसके अलावा आपकी अदालत वाले जो से होस्ट हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो चलें इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद करेंगे एज यूजुअल बातें। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप मिस ना कर सकें आपका भाई यहाँ पे जो सी भी वीडियोस डालता है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये बिल्कुल फ्री है, इसका पैसा वैसा कोई नहीं है। सब्सक्राइब करके यार ज़रा मुझे एक हौसला मिल जाएगा कि मेरे चैनल पर भी लोग आते हैं, मुझे देखते हैं। तो चलें लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। 11 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई थी एक साथ जी। 16 अच्छा 11 नहीं 16 हुई थी। और भाई आपको याद है बॉक्स ऑफिस में पहली कौन सी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ कमाए थे? अच्छा ये भी नहीं याद आपको? नहीं याद नहीं। ओ यार तू मुझसे बात कर रहा है, गूगल से थोड़ी बात कर। जितने भी अवार्ड नाइट्स होते हैं उसमें अगर अवार्ड मिले तो एक्टिंग आती है तो जी उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं पता चला। तारीफ करते हैं ना कोई अवार्ड देता है। कई बार ऐसा अच्छा। होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में कुछ अवार्ड वाले ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे अच्छा। पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए। No? आपका तो बस बात ही कुछ और है। आप बैंक बैलेंस की बात कर रहे थे ना, मैं सुन रही थी पीछे। अब आते हैं उस बात पे। आ जा अभी आ जा। आते धीरे धीरे नहीं अभी आ जा। जैसे जैसे कपिल और आपके दोनों के साथ में मिला के मैं खुद घर में दो दो बहने हैं, दोनों लगे हुए इंडस्ट्री में। अच्छा मैं आपको बताऊं हर बिल्डिंग में एक एक फ्लैट है। बोल रहा है हर बिल्डिंग में एक एक फ्लैट, सारे फ्लैट कपिल के। वो तो मैं मान ही नहीं सकता, उसके लोकल वाला में है। उसके लोकल वाला ऐसे नहीं होते वो रोल जिसमें लोग कई बार आते हैं मेरे पास कह रहे हैं जी आपको थोड़ा पेट बढ़ाना है, आपको देखा नहीं लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं अच्छा। पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो और मेरा बाप तो जिंदा है। अच्छा तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? अच्छा लोकमान्य तिलक, ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है अच्छा। मेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार। क्या गाना था वो? अरे बेटो तू यहां क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हो? अच्छा नहीं तू, अरे हास्य कलाकार नमू, ये तेरे बाप का रोटी है? तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरे। अक्षय कुमार जी कितने बरस हो गए फिल्म इंडस्ट्री में? मुझे करीबन हो गए हैं
24 साल हो। क्या बड़ा बना? 24 साल। पैसा, फिल्म, काम, कलाकार, कौन बड़ा बना? कौन बड़ा बना? फिलहाल तो मैं ही बड़ा बना। गोदी में वो डायलॉग मेरे पीछे पीछे बोले। एक कावा दो बतावा तीन प्रावा मुंडे अधि रति रेलो ना बरजन लगे पंडे पन डन मारू चंड पादे लसी विक खंड नकद दवानी दे पया जी पैरी पै बोलो बोल क्या बोला बोलो ना तब तुम छोटे थे। चलो मैं कोई बात नहीं, मैं हार गया, अब इनकी बारी है। अब ये वो बोलेंगे जो मैं बोलूं। जब से ये वसंत आया झंझन गोरमन को भाया झाड़ों का पिट गया दिवाला सक्सेस होते हैं। अब लाला धरियों की पूरी तुलवारी महक रही है। क्या क्या कारीगरों ने भी घना पहना सुपर है फूलों का गहना। सबसे ज्यादा किसकी वाइफ के फोन आते थे सेट पे? मेरी वाइफ तो आती थी लेकिन सेट पे कभी नहीं आई। सेट पे आप नहीं अलाउ करते खुद नहीं आता? शी उनको बहुत नफरत है शूटिंग से। अच्छा, शी हेट्स शूटिंग, शी हेट्स एक्टिंग, और इसीलिए 13 फिल्में करके जिसमें 12 फ्लॉप हैं एक हिट करके चल गई। थैंक यू फाइंडिंग इट। खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय, चला गया। अच्छा जी भाई, तो डेट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको सीमा डूल और दी बॉयज जैसे इस तरह के जैसे वो मीम्स हैं वो पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं एक सेपरेट से चैनल बनाने का सोच रहा हूँ मीम्स के ऊपर, बट अभी नहीं, इन फ्यूचर मैं बनाऊंगा। तो आपको ये रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी चीज़ को रिएक्शन चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।